بسم الله الرحمن الرحيم. बच्चों आज हम लोग क्लास 10 यानी दर्जा 10 का साइंस पढ़ेंगे और आप लोगों को पता है कि ये ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है हमारे चेयरमैन अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब के गाइडेंस में और आप इसका फायदा उठा ही रहे हैं. तो आइए हम लोग आज पढ़ते हैं इसका. देखिए कि इसमें साइंस से और उन्वान जो है वो ईंधन है. तो बच्चों ईंधन के बारे में पिछले क्लास में हम आपको बता चुके हैं कि ईंधन होता क्या है. तो ईंधन की बहुत अलग अलग तरह की किस्में हैं, शक्लें हैं. और जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ठोस है, रकीक है, गैस है, यानी कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, लकड़ी है, कोयले हैं, पेट्रोलियम है और कुदरती गैस है. तो बच्चों पिछले क्लास में हम बता चुके हैं सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में, सब सारी चीज़ों को हम बता चुके हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं. आज हम पढ़ाएंगे लकड़ी है, कोयला है, कोयले के बारे में, पेट्रोलियम के बारे में और कुदरती गैस के बारे में. इसका आज हम लोग डिटेल्स में देखेंगे कि इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे कैसे करते हैं, इसकी क्या 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 ज़रूरत है हमारी दुनिया हमारे लिए और ये दुनिया के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना असरदार है, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग इसको देखेंगे. तो बच्चों सबसे पहले हम जानते हैं लकड़ी. बच्चों लकड़ी जो है, लकड़ी है क्या? तो देखिए जो भी लकड़ी होते हैं तो मतलब लकड़ी का मतलब ये हो गया कि जैसे जो दरख्त से जो लकड़ी निकाला जाता है उसको लकड़ी कहते हैं. अब इसका इस्तेमाल हम लोग ईंधन के रूप में कैसे करते हैं? तो खाना बनाने के लिए तो करते ही, आपको पता है. लेकिन बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब लकड़ी का इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो उससे जो बचता है तो बचने वाले को हम क्या कहते हैं? लकड़ी का कोयला कहते हैं. तो लकड़ी का जो कोयला होता है वो भी हमारे किस लिए इस्तेमाल में आता है? वो हमारे खाना बनाने यानी कि ईंधन के इस्तेमाल में आता है. उसके अलावा हमको इलेक्ट्रिसिटी बनाने में मदद करता है. बहुत अलग अलग जैसे आयरन करने के लिए लकड़ी का कोयला का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो बच्चों आप देखिएगा कि जब कोयले के बारे में बात हो रही है तो कोयले का अपना एक अलग ही शक्ल है. और वो जो शक्ल क्या है कि पहले हम जानेंगे कि कोयले के बारे में क्या है. तो कोयला जो है आप बनता कैसे है इसके बारे में हम जानेंगे. तो बच्चों देखिए जो कोयला जो है वो 300 साल मतलब मिलियंस ईयर्स जो है पहले क्या हुआ कि जैसे 300 मिलियन मतलब कहने का मतलब ये है कि 300 मिलियन वर्ष पहले जो हमारा जो ज़मीन है वो मतलब चारों घने जंगलों से पूरा भरा हुआ था. लेकिन क्या हुआ कि जैसे जो कुदरती जो अकसाम है यानी कुदरती जो परेशानियां हैं जैसे बाढ़ है, भूकंप है और अलग अलग जैसे सुनामी है, तो क्या हुआ कि जो दरख्त वगैरह जो हैं वो क्या हुआ कि वो टूट गए. टूटने के बाद क्या है कि वो ज़मीन पे गिर गए. गिरने के बाद क्या है कि धीरे 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 वो सड़ने लगे. सड़ने के बाद क्या है कि धीरे धीरे वो ज़मीन के अंदर जाते गए जाते गए जाते गए. जब उस पर हैवी टेम्परेचर और हैवी प्रेशर होता है यानी कि दाब लगता है तो क्या होता है कि बहुत सारे दिनों के बाद कोयले का इस्तेमाल हम लोग करते हैं और कोयला बनता है. और कोयला जो होता है वो हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है यानी ईंधन का काम करता है. कोयले का अपना एक अलग ही शक्ल है जो कि आप देखिएगा कि जैसे लिग्नाइट है, पीट है, एंथ्रासाइट है, बिटुमिनस है. ये बच्चों जैसे आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे अच्छा जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइट होता है. क्या होता है? एंथ्रासाइट. उसमें गैस मतलब जो कोयले का जो गैस होता है यानी कि उससे धुआं कम निकलते हैं. उसके बाद आया बिटुमिनस. बिटुमिनस जो होते हैं उससे एंथ्रासाइट से थोड़ा लो कैटेगरी का होता है, मतलब थोड़ा खराब होता है. उसके बाद जब आप बात कीजिएगा तो आएगा लिग्नाइट. तो लिग्नाइट का जो शक्ल होता है वो बिटुमिनस से ही भी खराब होता है और सबसे ज़्यादा खराब जो होता है वो होता है पीट. तो बच्चों अगर देखिएगा कि जिससे ज़्यादा धुआं निकलता है वो ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, ना कि हमारे जिस्म के लिए, ना कि हमारे गर्दोपेश के लिए यानी इस इन्वायरमेंट के लिए, इस दुनिया के लिए, इस धरती के लिए,
वो जो है काफी खतरनाक हो सकता है, इसलिए हम लोगों को उस चीज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर हम उसका इस्तेमाल बहुत अच्छे ज्यादा करेंगे तो क्या हो सकता है कि हम लोग देखिएगा कि बहुत सारे अलग अलग बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं, जैसे सांस लेने में तकलीफ, बाल का गिरना, अलग अलग स्किन प्रॉब्लम, तो ये सारी चीजें आ सकती हैं। क्योंकि आप जब जिस्म ही खराब रहेगा, यानी कि जब हम गंदा सांस ही लेंगे, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी परेशानियां हमारे साथ आ सकती है बच्चों। उसके बाद अगर हम बात करें कि इस कोयले में कुछ और भी चीज आते हैं, जैसे कोक है, उसके बाद आपको कोल टार है, कोल गैस है, इसका भी इस्तेमाल आप करते हैं। तो बच्चों आपको बता दें कि जो कोयला होता है, यानी कि कोयले जो लकड़ी वाला जो कोयला होता है, तो जब हम कोक बनाते हैं तो कोक जो होते हैं, यानी कि जो एयर होते हैं, यानी हवा के गैर मौजूदगी में इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। क्या करते हैं, इसका हवा के गैर मौजूदगी में ये बनता है। कैसे बनता है, तो बच्चों इसको क्या किया जाता है कि गर्म किया जाता है, एक प्रक नली होता है, क्या होता है, एक प्रक नली होता है इस तरह से। एक मान लीजिए लकड़ी है, ठीक है, इसमें कुछ ईंधन डाल दिया गया है, ठीक है, और ये जलाया गया है, इसमें एक प्रक नली होता है। तो क्या होता है कि ये जो चीजें हैं वो बन के इससे क्या बनती है, कोक बन जाती है। ये जो कोक होते हैं काफी हार्ड होते हैं, यानी प्योर होते हैं। कोयले का सबसे अच्छा, अगर पूछा जाएगा कि सबसे अच्छा चीज क्या है, तो वो है कोक। अब इसमें इसका इस्तेमाल जो है हम लोग धातुओं के लिए करते हैं, यानी कि जैसे अलग अलग, जैसे मान लीजिए आप कल कारखानों में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद आया कोलतार, तो कोलतार भी बच्चों, इसमें कोलतार का इस्तेमाल बहुत बहुत तरीकों से हम लोग कर सकते हैं। जैसे देखिए कि आज के टाइम में अलग अलग तरीके, जैसे कोलतार का इस्तेमाल हम लोग प्लास्टिक बनाने में हम लोग कर सकते हैं, पेंट बनाने में कर सकते हैं, फोटोग्राफिक उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप नेफ्थलीन की गोली, जो कि आपको जैसे कीड़े मकोड़े को मारने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि पहले जो है कोल तार का जो ये है इस्तेमाल जो है, पहले इसमें किया जाता था, पक्की सड़कों बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आज के टाइम में कोल तार की जगह पे बिटुमेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसके जगह पे, कोल तार की जगह पे बच्चों। कोल तार जो है बहुत ही चीजों में इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसका इस्तेमाल करके हम अपने जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा महसूस करा सकते हैं। और आपको पता है कि जैसे फोटो फोटो बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, विस्फोटक में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद प्लास्टिक में, पेंट में। तो बच्चों आप ये इस चीज का इस्तेमाल आप किससे करेंगे, कोल तार से करेंगे बच्चों। आप अगला है कि कोयला गैस, तो कोयला गैस के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले 1810 में लंदन में शुरू हुआ था, और 1820 में के अलग अलग इलाके में, न्यूयॉर्क में भी इसका इस्तेमाल किया गया था। लेकिन ये इस्तेमाल कहाँ किया गया था, ये इस्तेमाल जो है जैसे स्ट्रीट लैंप जो होते हैं उसमें इस्तेमाल किया गया था, रोशनी के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। और इसका इस्तेमाल करने का मेन मकसद क्या था कि मतलब लोगों को फायदा मिले। तो फायदा तो जाहिर सी बात है बच्चों कि इसका जब हम इस्तेमाल करेंगे तो अलग अलग चीजों का, जैसे उसमें से उष्मा निकलता है, जब उष्मा के बारे में हम बात करेंगे, यानी कि हीट के बारे में बात करेंगे, हरारत के बारे में बात करेंगे, तो आप इस चीज के बारे में जानिएगा कि कोई भी चीज जब जलाते हैं तो उससे हीट निकलता है, उष्मा निकलता है। तो बच्चों देखिए, आप कोयले के बारे में जान गए कि कोयले में चार शक्ल होते हैं। उसके बाद जब हम कोयले को लकड़ी वाले कोयले को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कोक है, उस कोक के बाद कोल तार है, कोल तार के बाद कोयला गैस है। तो बच्चों आपको इस चीज के बारे में समझ में आ गया कि कोक का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, कोल तार का इस्तेमाल कहाँ करते हैं,
कोयले का इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, ये सारी चीजों का इस्तेमाल जो है हम अपने जिंदगी में अपने जिंदगी को आसान बनाने के लिए करते हैं। बच्चों आप जो है इसका इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए और आप इससे फायदा लीजिए कि भाई इसका इस्तेमाल हम यहाँ करेंगे तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा आसानी होगी और ज्यादा अच्छे से हम इसको अपने जिंदगी में शामिल कर पाएंगे। तो बच्चों इसमें बहुत सारी चीजें को हमने बताने की कोशिश की है, तो और इसमें कोई भी तकलीफ हो परेशानी हो तो आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और आपको इसका तशरीफ़ बख्श जवाब देने की कोशिश की जाएगी।